जी नाज़रीन, कराची से खबर शामिल करते हैं। इंचार्ज नुमाइंदगन कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के मुताबिक, कराची सेंट्रल प्लाजा शॉपिंग मॉल में शान मार्केटिंग ग्रुप के चेयरमैन फरहान शरीफ के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान एक्सपो सेंटर का मेला सजाया गया, जिसमें सियासी, मजहबी, समाजी, ताजिर, रहनुमाओं और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आवाम की तफरीह के लिए टॉक शो, मैजिक शो, बच्चों के तहाइफ और उम्रे के टिकट रखे गए। आखिर में फरहान शरीफ ने तमाम खसूसी मेहमान को एजाजी शील्ड पेश की। पाकिस्तान एक्सपो में तमाम ताजिर, समाजी, सियासी, रहनुमाओं ने शान मार्केटिंग ग्रुप के फरहान शरीफ की काविशों को बहुत सराहा। इस मौके पर आरिफ सोनी और कामरान अकबानी ने खसूसी इंटरव्यूज़ भी लिए। आप भी मुलाहिजा कीजिए। जी नाजर, इस वक्त हम मौजूद है सेंट्रल प्लाजा शॉपिंग मॉल के अंदर। आज यहाँ पर हमने देखा माशाल्लाह, फरहान भाई ने, शान मार्केटिंग वालों ने एक एक्सपो, पाकिस्तान एक्सपो के नाम से यहाँ पर एक मेला सजाया हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी मुमताज़ समाजी रहनमा, सियासी रहनमा, मजहबी रहनमा और यहाँ के जितने भी मार्केट के जितने भी जो सदर हैं उन्होंने शिरकत की। और काफ़ी मतलब ये मेला हमने देखा, काफ़ी जोश व खरोश पाया गया इस मेले के अंदर। हमारे सीईओ शान मार्केटिंग के जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है फरहान शरीफ साहब। हम इनसे मालूम करेंगे कि इनके आज के जो पाकिस्तान एक्सपो के नाम से यहाँ पर इन्होंने जो एक एग्जीबिशन की है, तो इसके मकासद क्या है, और इसके हवाले से हम जानेंगे फरहान शरीफ से। जी फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपने मेला सजाया हुआ हमने देखा, और काफ़ी लोगों ने शिरकत की, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा मेला आपने सजाया। इसके जो अगराज और मकासद, जो लोगों को, आम आवाम को जो फ़ायदा पहुँचे, ज़रा उसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आप आए अपने चैनल पावर प्लस के लिए कवरेज करने के लिए यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आप आए यहाँ पे अपने चैनल की कवरेज के लिए और हमारे इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए अपने चैनल पावर प्लस के लिए। सेंट्रल प्लाजा में आज हमने पाकिस्तान एक्सपो के नाम से एक एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया था, जिसमें हमारी वो माएँ बहनें जो घर पर रह के बाइज़त तरीके से रोज़गार कमाना चाहती हैं, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म फराहम किया था। पाकिस्तान एक्सपो के नाम से यहाँ हमने एक एग्ज़िबिशन लगाया था, ख़वातीन के स्टॉल्स थे सारे यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ सेंट्रल प्लाजा में, सेंट्रल प्लाजा की भी मार्केटिंग हुई माशाल्लाह, हमारे दुकानदारों का जो बड़ा अच्छा काम हुआ यहाँ पे, और ख़वातीन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें यहाँ हमने आज की। इसके साथ साथ हमारे दो प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं माशाल्लाह, अल मन्नान ग्रैंड सिटी और अरबिन रॉयल सिटी, इनकी भी आज यहाँ पर, इसमें से अरबिन रॉयल सिटी की आज यहाँ पर लॉन्चिंग थी, और अलमनान ग्रैंड सिटी हम अनकरीब तकरीबन एक माह के अंदर लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। तो ये तमाम चीज़ें थी माशाल्लाह, और इसमें हमारे साथ सोच का सफ़र का ताउन हासिल था, सोच ने हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया। ब्यूटिशन के हवाले से तमाम यहाँ फैशन शो किया गया, ब्राइडल शो किया गया यहाँ पे, और बच्चों के हवाले से मैजिक शो था, तहाइफ थे, इनामात थी, मोटरसाइकिलें थी, उम्रे के टिकट्स थे, तो वो काम जिससे कि अवाम खुश हो, सारे काम यहाँ हुए माशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आपने रॉयल सिटी के नाम से जो जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया आपने माशाल्लाह, तो इसके अंदर कोई ऐसा कोई डिस्काउंट वगैरह जो अभी ऐलान किया बशीर साहब ने कि 10% डिस्काउंट है, तो ज़रा इनके बारे में बता दें। और मैंने ये भी देखा कि हमारे आपने इस इवेंट की वजह से यहाँ पे सब दुकानदारों ने 10% का तकरीबन डिस्काउंट का, कहीं 10 था, दुकानदारों ने 10% का तकरीबन डिस्काउंट का, कहीं 10 था, कहीं 20 था, कुछ दुकानदारों ने 20% डिस्काउंट किया, कुछ ने 10% किया। और माशाल्लाह हमारे प्रोजेक्ट अरबियन रॉयल सिटी के हवाले से भी हमने, जैसा आपने बशीर साहब ने सुना कि 10% हमने डिस्काउंट दिया है आज के हवाले से, और माशाल्लाह अरब जो हम नया नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं अरबियन रॉयल सिटी, अल मन्नान ग्रैंड सिटी, उसमें भी हम माशाल्लाह डिस्काउंट करेंगे इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, जल्दी आइए और इस जो 10% जो इनकी जो डिस्काउंट है उनसे आप फ़ायदा उठाइए। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अफशां कुरैशी साहब, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप अक्सर इनको आप चैनल्स पे आपको देखते होंगे, जो मॉर्निंग शो के अंदर आती हैं, उन्होंने जो है मतलब खुसूसी तौर पर यहाँ पे शिरकत की है। हम इनसे ये तासुर लेंगे कि यहाँ पर आके इनको कैसा लगा। जी अफशां कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पर आप फरहान शरीफ की दावत पर आए, यहाँ पर आपको कैसा लगा, यहाँ पर जो आपने माहौल देखा और यहाँ के जो अखराज व मकासद थे आपको कैसा लगा? फरहान जो ये काम कर रहे हैं मार्केटिंग का और लोगों की खिदमत का, तो ये बहुत अच्छा काम है, अल्लाह उन्हें तरक्की दे, कामयाबी दे। और आज हम आए हैं तो बहुत खुशी हुई कुछ चीज़ें देख कर के, जैसे एक दूसरे का ख्याल करना और एक दूसरे के लिए कुछ कोशिश करना,
तो ये बहुत अच्छा काम है, अल्लाह इसमें बरकत दे। और बशीर भाई की भी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छी लगी कि वो इस्लामिक तौर पे भी बातें करते हैं और दीनी राह भी दिखाते हैं। तो अल्लाह जजाक अल्लाह, उनको अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती दे और बस मेरे भाई बन गए तो बस हमेशा भाई रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल प्लाजा में, जहां पाकिस्तान एक्सपो के नाम से एक मेला सजाया गया। इस मेले में मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस वक्त मार्केटिंग के शोबे से एक शख्सियत मौजूद है, बशीर मेमन साहब। आइए इनसे जानते हैं कि इस मेगा जो फेस्टिवल मुनक्किद किया गया, इस बारे में इनकी क्या राय है। हम लोग आए ना तो मुझे तो ये लगा कि ये अभी शान मार्केटिंग वाले जो है ना बहुत समझदार हैं, इन्होंने जो अनाउंस किया है और जो क्या, इसमें किसी का भला हो ना हो, पब्लिक का भला ज़रूर हो गया है। क्योंकि जो भी आता रहा, मैंने उनको कहा है कि भाई 10% डिस्काउंट आप ख़रीदारों को दें, और मैंने खुद भी शान मार्केटिंग वालों से कहा कि अभी अगले दो प्रोजेक्ट आपके आ रहे हैं, जो अल मन्नान ग्रांड सिटी और रहमान ग्रांड सिटी, इसमें डॉक्टर के लिए, फनकारों के लिए, वकीलों के लिए, जो भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट दो, तो उनको मैंने कबूल करा लिया है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने आज मेरे लिए तो जन्नत वाजिब कर दी है, क्योंकि पब्लिक खुश हो गई। जब पब्लिक खुश हो गई ना, तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो किसी मुसलमान को अचानक खुशी दे तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो किसी को कुछ मिले ना मिले, मुझे आज जब पब्लिक खुश हो गई ना, तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो किसी मुसलमान को अचानक खुशी दे तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो किसी को कुछ मिले ना मिले, मुझे आज जन्नत मिल गई है इंशाल्लाह। और सारी जो मजलिस बैठी थी, उन्होंने मेरे साथ कलमा भी पढ़ा, तौबा भी की। तो हमारा तो काम ये है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना और अल्लाह से दोस्ती करवाना। मसला तो ये है, अब इंसान इंसान से दोस्ती करता है ना, तो उसमें दुनियावी अगराज होते हैं। मैं समझता हूँ कि लोग जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, उसके लिए कुरान मजीद की आयत काफ़ी है, वमन अहसन कौलुम मिम्मन दा इलल्लाह वअमिल सालिहन वकाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, कि और उससे किसकी बात अच्छी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपना सौदा बड़े प्यार से और सस्ता सौदा बेचा है। बहुत सी बहनें बेटियाँ हैं, उन्होंने मुझे, जैसे मेरी बहन है ये, उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया, तो मैंने इनके सर पर हाथ रख के बोला कि मेरी बहन है। असल में इसी तर्ज पे तो हम बात कर सकते हैं और सारा सिस्टम चला सकते हैं। तो बच्चियां भी खुश हुई, बच्चे भी खुश हुए, फिर मैं तो नानू दादू हूँ, सारे बच्चे भी खुश हुए होंगे। मगर आप लोग खुश होने के बाद भी आपने 5000 वाली गड्डियां नहीं दिखाई हैं, ये तो बोलना पड़ेगा भाई पैसों के लिए। तो अगर आपने कोई पूछना है तो बता। अभी ये जैसे मार्केटिंग का शान वाले कर रहे हैं, तो हम शान बिल्डर्स और शान डेवलपर्स जो है ना, शान बिल्डर्स और शान डेवलपर्स के नाम से ये दो प्रोजेक्ट ला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह इनके 2 प्रोजेक्ट हो, क्योंकि मैं तो मामूली आदमी हूँ, ये मैं बता दूँ आपको, मैं मामूली आदमी हूँ। मेरे दोस्तों को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, उनके पास सुपर हाईवे पे, नादरन पे, NHA में, सुरजानी में, मंगोपिर पे बेशुमार ज़मीनें हैं। तो बोलते हैं यार आज ही कुछ काम कर लो, तो मैंने बोला अब ये मार्केटिंग भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो हमारे शौकत भाई बॉस हैं मेरे, ये सारा सऊदीया में भी मेरा उम्रे का खर्चा तकरीबन यही उठाते हैं। तो जो है ना, आदमी को सच बोलना चाहिए। लोग ये नहीं समझे मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तू सब कुछ, तेरा सब कुछ। और सच्ची बात है कि हम लोग सब चौकीदार हैं। क्या है? हाँ, चौकीदार हैं। और जो है ना, वारिसों के माल की हम निगरानी करते हैं। अल्लाह करे दोस्त जो है ना कमाएँ, अल्लाह के नाम पर लगाएँ। हाँ, कमाएँ, अल्लाह के नाम पर लगाएँ। मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। हाँ, मेरे दोस्तों के ताउन से मैंने कोई 100 मस्जिद मदरसों की बुनियाद रखी होगी, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं।